हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके लिए बहुत सिंपल पत्तीदार डिज़ाइन लेके आई हूँ। इसे मैंने बेबी सेट पर उतारा हुआ है, बहुत सुंदर बनके तैयार हुआ है। इसे लेडीज़ गार्डिगन्स पर भी डाल सकते हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने सिलाई पर 19 फंदों को लिया हुआ है। 6 रोज़ का सिंपल सा डिज़ाइन है, बहुत आसानी से बन जाता है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहली सिलाई रो 1 पर हमने सबसे पहले फंदे को उतार लेना है और 2 फंदों को जो है वो उल्टा बना लेना है। 2 फंदों को उल्टा बनाने के बाद धागे को पीछे करके हमने एक जाली के लिए धागे को लपेट लेना है इस तरह से, और उसके आगे वाले फंदे को सीधा बना लेना है। बीच में 3 फंदे उल्टे, फिर से धागे को पीछे करके धागे को लपेट लेना है और उसके आगे वाले फंदे को सीधा बना लेना है। फिर से 3 फंदे उल्टे, धागे को पीछे करके धागे को लपेट के जाली बनानी है, 1 फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, इसी पैटर्न को पूरी सिलाई पर रिपीट कर लेना है और ये लास्ट के 3 फंदे उल्टे बनेंगे। अब आते हैं रो 2 पर। उल्टी सिलाई में जहाँ पे सीधा बना हुआ है वहाँ पे सीधा बनाते जाना है, जहाँ उल्टा बना हुआ है वहाँ उल्टा बनाते जाना है, और जो सीधी सिलाई पर जाली वाला फंदा पड़ा है उसे भी हमने इसमें उल्टा बनाना है। तो सबसे पहले फंदे को उतार के 2 फंदे सीधे आएंगे, 1 फंदा उल्टा, अब आएगा जाली वाला फंदा जिसे उल्टा ही बनाना है। तो इस तरह से 3 फंदे सीधे आएंगे और 2 फंदे उल्टे आएंगे। लास्ट के 3 फंदे सीधे। तो अब आते हैं हम तीसरी सिलाई पे। सिंपल, हमने जहाँ पे उल्टा बना हुआ है वहाँ पे उल्टा है बनाना है, और जहाँ सीधे बने हुए 2 फंदे हैं वहाँ पे सीधे बनाते जाना है। 1 फंदे को उतार लिया, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, इस तरह से पूरे पैटर्न को पूरी सिलाई पर रिपीट कर लेना है। अब आते हैं चौथी सिलाई पे। चौथी सिलाई भी सिंपल है, सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टे ही बनाना है। उल्टी सिलाई को बनाने के बाद अब आते हैं सीधी सिलाई पे। इसमें क्या करना है, पहले फंदे को उतार लेना है, 2 फंदे उल्टे, और जो ये हमने 2 फंदे बनाए हुए थे इन दोनों को इस तरह से 1 फंदा इनका बना लेना है।
फिर तीन फंदे उल्टे और दो सीधे फंदों का एक फंदा बना लेना है। ये इस तरह से पत्तीदार डिज़ाइन जो है वो तैयार होता जाएगा। तीन फंदे उल्टे, दो सीधे फंदों का एक फंदा, तीन फंदे उल्टे, दो फंदों का एक फंदा बना लेना है और लास्ट के तीन फंदे उल्टे बनाने हैं। उल्टी सिलाई सिंपल है, जहाँ पे सीधा बना हुआ है वहाँ पे सीधा बनाना है और जहाँ उल्टा बना हुआ है वहाँ उल्टा बनाते जाना है। उल्टी सिलाई को मैंने बना लिया है। उल्टी सिलाई बनाने के बाद देखिए हमारा ये डिज़ाइन इस तरह से उभर कर तैयार हो गया है। अब अगली सिलाई में हमने ये डिज़ाइन जो है वो बीचों बीच डालना है, जैसे कि पहले डाला हुआ है। इसके लिए पहले फंदे को उतार लेना है और अब आएंगे चार फंदे उल्टे। चार फंदे उल्टे बनाने के बाद जो बीच वाला फंदा है इससे पहले हमने धागे को पीछे कर लेना है और यहाँ पे धागे को लपेटकर जाली डाल लेनी है और उसके आगे वाले फंदे को बना लेना है सीधा। बीच में तीन फंदे उल्टे और ये बीच वाले फंदे पर धागे को पीछे करके धागे को लपेट कर जाली बना लेनी है और इस फंदे को सीधा बना लेना है। फिर से तीन फंदे उल्टे, धागे को पीछे करके लपेट के एक फंदा सीधा और अब आएंगे पांच फंदे उल्टे। इसी तरह से रो 2, 3, 4, 5 को रिपीट कर लेना है। तो मैंने रो 2, 3, 4, 5 और 6 को रिपीट कर लिया है और मेरा डिज़ाइन जो है वो बनकर तैयार हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।